काफिर है जो तुम्हारे बगैर एक दिन भी जीने का तसव्वुर करेगा। न जाने आज का दिन और रात कैसे गुजरेंगे। और वो दुल्हन बनी मेरे साथ बैठी होगी। जरूरत थी इतनी फजूल सी बात पे साइम का साथ देने की? देखो ये उसका हक था और बिल्कुल जायज बात थी। तो जायज बातों को मनवाने के लिए वालदैन को यूं जलील किया जाता है, ऐन वक्त पर तमाम रिश्तेदारों के सामने ब्लैकमेल किया जाता है। अगर उसने निकाह के साथ रुख्सती लेनी थी तो पहले बताता, हम अपने बेटे की धूमधाम से शादी करते, ये कौन सा तरीका है? ये तो शुरू से ही ऐसा है, जज्बाती और अचानक फैसला करने वाला। लेकिन बेगम तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसकी दुल्हन भी उसने रुख्सती ले ली। उसने रुख्सती करवाई, आपने हमेशा ऐसे ही उसी का साथ दिया, इसलिए वो बिगड़ा है। देखिए आंटी आप बिल्कुल नाराज मत हो, इसमें भी खुदा की कोई बेहतरी होगी। और वैसे भी साइम अगले हफ्ते इंग्लैंड जा रहा है, आप उसकी खुशी में खुश हो जाए ताकि तो दिल बुरा ना हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब आराम करूंगी। हाँ बेटा तुम जाके आराम करो। लेकिन आंटी पहले आप प्रॉमिस करें कि आप साइम से खफा नहीं होंगे। बेटा ये भला साइम से क्यों खफा होंगी? साइम की खुशी नहीं तो हमारी खुशी है, क्यों बेगम? अरे बेटे मैं साइम से खफा नहीं हूँ, बस परेशान हूँ। ये सब अचानक, एक्चुअली मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, पर ना ये दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। चलो बेटे अब आप भी जाकर आराम करो। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे घर के हर मसले को आप अपना मसला समझकर उसकी फिक्र करते हो, थैंक यू। अंकल ये मेरा अपना घर है और मैं भी साइम की तरह ही आपका बेटा हूँ, बस आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं। हद हो गई। चलो बेगम अब गुस्सा थूक भी दो, इकलौता बेटा है हमारा, क्या हो गया? ले आया दुल्हन अपनी, उसको आपने बिगाड़ा है। अच्छा चलो अब बिगाड़ दिया ना तो खुश हो जाओ, घर में बहू आई है। की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वक्त बहुत कीमती है मेरे लिए, इसमें हम सिर्फ अपनी बातें करेंगे, तुम्हें अपने हाले दिल बताऊंगा और तुम्हारा सुनूंगा। मैं खुशबख्त हूँ मैं कि मुझे तुम मिल गई। मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे आपका साथ अता किया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं तो हर सांस के साथ उसका शुक्र अदा करूँ, तुम्हें देखूंगा तो करूँगा, तुम्हें चाहूंगा तो करूँगा, तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा हंसूंगा तब करूंगा, तुम्हारी जुदाई में रहूंगा तब भी करूंगा। तुम्हारा
वेडिंग गिफ्ट। एक मिनट। सैम ये तो वही जो वही है, वही नेकलेस तुमने खरीदने से मना कर दिया था कि बहुत कीमती है। रिदा ये मामूली सा तोहफा है तुम्हारे लिए, बस मेरी ख्वाहिश है कि तुम इसको हमेशा पहने रखो। पूछो क्यों? क्यों? इसलिए कि इसमें मैं हूँ, तुम्हारी सांसों के साथ हर लम्हा धड़कता रहूँ, ताकि तुम एक पल के लिए भी मेरी याद से गाफिल ना रहो, मेरा कब्जा रहे तुम्हारे दिल पर। कितने फिल्मी हैं आप। वो इसलिए कि फिल्में मोहब्बत की कहानी पर बनती हैं, है ना? टूट गया। सॉरी मैं बनवा दूंगा। नहीं नहीं आप रहने दें, मैं ऐसे ही सब अपने पास रख लूंगी, सुबह होते ही बनवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। क्या देख रहे हैं ऐसे? मेरा दिल करता है कि तुम्हें सारी जिंदगी ऐसे बिठा के देखता रहूं। आज की रात का चांद हमारी मोहब्बत की गवाही के साथ डूबेगा और सुबह का सूरज हमारी चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उभरेगा। हमारी मोहब्बत की लंबी उम्र की दुआएं मांगेंगे। याद रखना, सुबह का सूरज हमें ऐसी ही दुआओं के साथ देखेंगे।